ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। मार्क कर दिया आप लोगों ने अटेंडेंस अपनी बेटा? यस सर। ओके, वी हैव 20 स्टूडेंट्स राइट नाउ, लेकिन वहाँ पे 18 आ रहे हैं। तो कौन से दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक मार्क नहीं की? अच्छा बेटा, LMS पे ना मैंने शेयर की हैं कुछ पिक्चर्स वगैरह, आप लोगों ने देखी हैं आज की लेक्चर के लिए ही? अगर आप देखें, मेरी स्क्रीन भी शेयर्ड है आपके साथ। टुडे 6 अप्रैल और आज के दिन मैंने यहाँ पे क्विज भी अनाउंस किया। सेकंड क्विज आपका होगा 13 अप्रैल को, और इंशाल्लाह उससे पहले क्विज वन और आपके असाइनमेंट मैं आपको रिटर्न कर दूंगा विद इन मार्क्स, एंड उस पर कोई डिस्कशन होगी तो फिर आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आज जो लेक्चर है हमारा DS है, लेक्चर नंबर 5, जिसे हम कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर मैंने कुछ नोट्स अपलोड किए हैं पिक्चर्स बना के, क्या आप उनमें से देखे हैं किसी ने LMS पे? चलें, अगर अभी तक नहीं। जी सर, वो जो आपने खुद हैंड रिटन लिखे हुए हैं। हाँ, ये सारे LMS आपको शो हो रहा होगा मेरा। नहीं सर, अभी तक नहीं देखे। चलें, आज मैं यही नोट्स से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं लेक्चर की तरफ जाऊंगा। तो इन नोट्स को करने के बाद एक दफ़ा जब मैं आपको रिव्यू करवा दूंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी बहुत ईजिली आज के लेक्चर की चीज़ें भी सारी। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बॉडमास है तो वो क्या होता है दोबारा हम रिपीट करेंगे। आपने मैथ में बॉडमास का कॉन्सेप्ट सुना होगा, बट रिव्यू हो जाएगा आपका आज। ओके, सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम नोट्स नंबर 1, जो पिक्चर है वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। इन डेटा स्ट्रक्चर वी हैव टू इवेलुएट एक्सप्रेशंस। क्या एक्सप्रेशन जब कोई भी आप मीन्स के इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 2+3 आपने इंसर्ट की, तो वो कैसे इवेलुएट होती है? तो बेसिकली जो कंप्यूटर, यहाँ पे मैंने, अगर आप देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कंप्यूटर ऑलवेज सॉल्व पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस। दैट मीन्स जब कंप्यूटर इसको सॉल्व करेगा तो वो इसको इस तरीके से सॉल्व करेगा, वो इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेगा। और इनफिक्स क्या होता है, हमने मेंशन किया था 2+3, ठीक हो गया, क्योंकि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म यही है 2+3। बट कंप्यूटर उसको रीड कैसे करेगा, सॉल्व कैसे करेगा? 2 3 फिर प्लस करके एज ए पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन उसको सॉल्व करेगा। देन हाउ टू राइट एन एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन कैन हैव कॉन्स्ट्रेंट्स, वेरिएबल्स, सिम्बल्स, पैरेंथेसिस, ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स। तो हमारे पास जो ये प्लस का साइन आ रहा है इसके हम ऑपरेटर कहते हैं, और जो P+Q 2+3 है, 2 3 P Q A B, ये हमारे ऑपरेंड्स हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा पैरेंथेसिस वगैरह और आगे ब्रैकेट्स वगैरह सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। देन वी आर एबल टू इवेलुएट एंड एनालाइज। हम इसको कह सकते हैं कि हम पार्सिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडमास। बेसिकली हम इवेलुएट करते हैं, पार्सिंग मीन्स कि हम कन्वर्जन्स करते हैं। कन्वर्जन मीन्स के 2+3 प्लस है फॉर एग्जांपल, तो हमने अकॉर्डिंग टू बॉडमास इसको 5 आंसर आ गया हमारे पास। और बॉडमास क्या है? B स्टैंड फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड फॉर ऑपरेटर्स, D स्टैंड फॉर डिवीजन, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, A स्टैंड फॉर एडिशन, S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बॉडमास आपने मैथ में, शायद आपको याद आ रहा हो, मुझे तो याद है मैंने मैथ में इसको किया था FSC में मेरे ख्याल से, या मैट्रिक में ये कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया था। और इसके हिसाब से हम इवेलुएट करते थे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट को इवेलुएट किया जाता है। अब इवेलुएशन होती क्या है वो भी आज एक बार रिव्यू हो जाएगी आपकी। फिर ऑपरेटर्स को, देन डिवीजन, सब्ट्रैक्शन को बिल्कुल एंड में जाके सॉल्व किया जाता है, ठीक हो गया। हाँ, यहाँ तक। देन वी हैव ऑपरेंट, वैल्यू ऑन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म, या ऑपरेशन आर परफॉर्म, ठीक है। ऑपरेंड अभी मैंने आपको बताया 2 और 3 क्या है, ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेटर इसमें क्या है, ये प्लस का साइन है। देन वी हैव इनफिक्स नोटेशन। हमारे पास 3 टाइप की नोटेशन होती है, इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। इनफिक्स जो कि ह्यूमन रीडेबल होती है, जैसे कि A+B ब्रैकेट्स में है, देन मल्टीप्लीकेशन है, देन C+D है। अब आप में से कौन बताएगा अकॉर्डिंग टू बॉडमास इसकी इवैल्यूएशन कैसे होनी चाहिए? पहले कौन से ऑपरेटर्स को इवैल्यूएट करना है, कौन से ऑपरेंड्स को विद ब्रैकेट सॉल्व होंगे पहले, सबसे पहले ब्रैकेट्स होंगे, ब्रैकेट सॉल्व होंगे फिर, और उसके बाद ब्रैकेट्स के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, ऑपरेटर्स नहीं होंगे कोई? यस सर, बॉडमास में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर ही है ना, वही कह रहा हूं सर कि कहते हैं पहले a plus b ब्रैकेट वाले जो एडिशन वगैरह हो के और c plus d की भी एडिशन हो जाएगी, फिर जो इनके रिजल्ट निकले होंगे उनके ऑपरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब आपस में एक दूसरे से। ठीक हो गया, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हम इवैल्यूएशन करेंगे, मींस के a plus b फॉर एग्जांपल यहां पे 1 + 2 है तो 3 हो जाएगा, यहां पे अगर 1 + 2 है तो 3 हो जाएगा, देन वो मल्टीप्लाई होंगे। सो ब्रैकेट का मींस ये मतलब ये है कहने का, जैसा भी आप लोगों ने बताया अभी कि इसके अंदर जो भी हमारे पास ऑपरेटर्स होंगे वो इवैल्यूएट होंगे। ठीक हो गया, चले जी अगले पेज पे मैं चलता हूँ, जो मैंने ये नोट्स थोड़े से बनाए हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं बेसिक से। ओके, देन वी हैव इनफिक्स, इसे हम क्या कह रहे हैं, इनफिक्स कह रहे हैं क्योंकि ये देखें सेंट्रल के अंदर इसके ऑपरेटर्स आ रहे हैं सारे, a प्लस बी देन मल्टीप्लाई बाय विद दैट इक्वेशन c प्लस बी। एग्जाम्पल यहाँ पे आ गई, जैसे मैंने आपको बताया 2 + 1 वाली एग्जाम्पल आ गई सबसे पहले। अच्छा, एक और चीज़ भी है, लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, ये भी चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहले इसकी वैल्यूएशन हुई, लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं, देन वी हैव, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आएंगी, तो हर तरह की एग्जाम्पल्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही होगी। जैसे यहाँ पे अभी इस एग्जाम्पल से आप देखें, हमने पहले ये सॉल्व किया, इसका आंसर लेके फिर इसको सॉल्व किया, फिर इसका आंसर लिया और फिर दोनों को सॉल्व कर दिया। ओके, देन वी हैव एग्जाम्पल नंबर 2 दैट इज़ 4 + 6 मल्टीप्लाई बाई 2। इसके अंदर कोई ब्रैकेट्स नहीं है, तो हम बाद में लेफ्ट टू राइट देखेंगे कि हमारे पास कोई ऐसा ऑपरेटर है जिसकी आप ये कह सकते हैं कि प्रायोरिटी ज़्यादा है। सो वी हैव ऑपरेटर दैट इज मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हैज प्रायोरिटी ग्रेटर देन एडिशन। सो 6 × 2 ये सॉल्व होगा, देन +4 हो जाएगा। ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस वही चीज़ आ गई दोबारा, पैरेंथेसिस ब्रैकेट सबसे पहले, ऑपरेटर्स एक्सपोनेंट्स, उसके बाद एक्सपोनेंट क्या होता है 2⁰3, 3⁰2। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट्स आएंगे तो हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट उसको एवेलुएट करेंगे। राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या है, 2⁰3 का आंसर क्या आता है बेटा, को बताएगा? 2⁰ यहाँ पे एक तो राइट टू लेफ्ट होगा, दूसरा 3⁰2 का क्या आंसर आएगा सबसे पहले, तो 9। देन उसके बाद हम 2⁰9 को एवेलुएट करेंगे। मतलब ये कहने का पहले हम 2⁰3 नहीं लेंगे, हम पहले इस ऑपरेटर एक्सपोनेंट को इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, एंड देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बिटवीन टू चूज। अगर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों आ जाए तो हमने वहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट इवेल्यूएट करने, जैसे मैं ऊपर आपको बता रहा था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दोनों मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो पहले किसको सॉल्व करना था, पहले हमने 4 × 6 को करना था, देन 6 × जो भी आंसर आता उसके आंसर को फिर हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था। सेम प्रायोरिटी के अगर हमारे पास ऑपरेटर्स आ जाएं तो हम फिर लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करने हैं, अगर मैं इसको समराइज करूं अपनी सारी बात को। देन वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, लेकिन आप ये देखें अगर हमारे पास एक्सपोनेंट आएंगे तो फिर वहां पे हम राइट टू लेफ्ट देख रहे होते हैं। ठीक हो गया, ओके। देन यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दी हुई है, कुछ और एग्जाम्पल्स नीचे दी हुई हैं। मेरे ख्याल से समझ आपको आ रही होगी बेटा अभी तक सारी बात, क्योंकि मैंने बहुत समराइज बनाया और आसान करके बनाए हैं नोट्स, ताकि जब हम एग्जाम्पल्स पे जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे डीएस के अंदर हम इसको कैसे इवेल्युएट कर रहे होते हैं। यही बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट होता है, उसमें भी ये मैथमेटिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है सारा। पहले इनफिक्स इज लेफ्ट टू राइट, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन लिखा हुआ भी आ रहा है लेफ्ट टू राइट। अगर मल्टीप्लाई भी है, डिवीजन भी है, आगे बाद माइनस है, फिर प्लस भी है, तो हम इसको लेफ्ट टू राइट इवेल्यूएट करेंगे। लेकिन हम ये देखेंगे कि प्रायोरिटी ऑपरेटर कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बॉड मास में देखें, सो वी हैव ब्रैकेट्स आ जाती हैं, देन उसके बाद ऑपरेटर्स आते हैं, ऑपरेटर्स के अंदर फिर क्या आ जाते हैं, एक्सपोनेंट वगैरह आ जाते हैं मीन्स। देन वी हैव डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, हम पहले डिवीजन से पहले जो ये लेफ्ट टू राइट में हमारे पास आ रहा है ये मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, पहले हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं, देन हम डिवीजन को करेंगे, देन हम प्लस को करेंगे यहाँ पे 4 पे, देन हम इसको कर देंगे इवेल्युएट। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 पे इस तरह ये लेफ्ट टू राइट अगर हम इसको रीड आउट करें तो। ओके अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक मुझे नजर आ रही है। पहले हम इसको करेंगे, मल्टीप्लाई को करेंगे, दैट मींस टू डिवीजन को करेंगे, मतलब आंसर 6 ही आएगा। यहाँ पे आंसर थोड़ा सा मिस्टेक है थोड़ी सी, ये मैं इसको एनोटेशन से बता भी देता हूँ। मतलब आंसर आपका 2 3 6 आएगा, ठीक है, 3 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 ही आएगा। आंसर ठीक लिखा हुआ है मैंने, बस इवेल्युएशन सबसे पहले इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। बट हम रीड कैसे कर रहे हैं, रीड हम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन होता तो पहले हम इस मल्टीप्लीकेशन को इवेल्युएट करते, देन हम डिवीजन को करते, देन हम फिर इस मल्टीप्लीकेशन को करते, ठीक हो गया। सॉरी, सबसे पहले डिवीजन को करते, मल्टीप्लीकेशन इसको करते, फिर इस मीन्स इन दोनों मल्टीप्लीकेशन में से हमने किसको पहले सॉल्व करना है। हमने पहले अगर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन की बात की जाए तो इस मल्टीप्लीकेशन को करना है। समझ आ रही है बात बेटा? सर पहले डिवाइड नहीं करेंगे? डिवाइड करेंगे, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन समझ लें इसको आप, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 देन मल्टीप्लाई बाय 4। अगर ये हो तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, तो फिर हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं। पहले हम 2 इंटू 3 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 6। फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 4, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसमें तो पहले डिवीजन को ही करेंगे, और मैंने ये बता चुका हूँ जब डिवीजन को पहले करेंगे फिर भी आंसर हमारा 6 आ रहा है। बस यहाँ पे मेरी एक छोटी सी मिस्टेक है जिसे मैंने आपको बता दी। आर वी क्लियर ऑन दैट बेटा? यस सर। आंसर तो 6 ही आ रहा है ना, ठीक हो गया। तो इस वजह से शायद ये मिस्टेक मैं कर गया हूँ यहाँ पे। ओके, मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई बेटा कि लेफ्ट टू राइट का क्या मतलब है। लेफ्ट टू राइट का ये मतलब नहीं है कि हम पहले मल्टीप्लीकेशन कर लें, फिर डिवीजन कर लें, फिर माइनस, फिर प्लस कर लें। हमने देखना होता है कि अगर हमारे पास सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स आ जाते हैं, मल्टीपल या दो से ज़्यादा, तो बाद में हमने उनको कैसे इवैल्यूएट करना है। ठीक हो गया बेटा? अब ये देखें, ब्रैकेट्स हैं, देन वी हैव, अब सबसे पहले क्या करेंगे, 6 इंटू 2 वाली ब्रैकेट को करेंगे। ऐसा ही है बेटा, क्या कहते हैं आप लोग? इसकी इवैल्यूएशन अगर मैं आप में से किसी को कॉल करूं वो मुझे बता सकता है। फॉर एग्जांपल हमजा, रोल नंबर S650021, इसको इवैल्यूएट करें बेटा मेरे साथ, इस एक्सप्रेशन को। हमजा, एच शाम, तनवीर, क्योंकि हमजा अगर आप लोग नहीं अपने सिस्टम बना के बैठ सकते तो बेटा फिर ये क्लासेस आप कैसे लेंगे, आपको कैसे समझ आएंगी चीज़ें। अभी हम थोड़ा सा फिर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, जब सिनेरियोस में जाएंगे तो फिर आप कहेंगे सर यहाँ पे ये क्या हो रहा है। हमजा, एच शाम, अयाज, आप तीनों में से कोई इसको इवेल्यूएट कराए, क्योंकि मेरे पास कुछ ही स्टूडेंट हैं जो मुझे रिस्पॉन्स करते हैं मेरी क्लासेस में, बाकी भी किया करें। हमजा, एच शाम एंड अयाज, इस तरह प्रेजेंट होने का तो बेटा कोई मकसद नहीं है ना। आप आके सिर्फ ऑनलाइन हो जाएं और क्लास अटेंड ही ना करें। वालेकुम सलाम बेटा, अटेंटिव रहा करें बेटा, जैसे मैं बात करता हूँ आपको ओपन करना चाहिए माइक अपना। जी आप हमजा, आप कराने चलें इसको, क्योंकि मुझे सबसे पहले ब्रैकेट कौन सा होगा इनमें से मुझे बता, सबसे पहले कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये वाला होगा जिसके ऊपर 1। हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। देन हमारे पास क्या होगा सर ये 12 हो जाएगा, फिर इसके बाद डिवाइड हो गई, डिवाइड होगा। अच्छा, मतलब इसका ओवरऑल ये वाला पहले सॉल्व होगा, आप ये कह रहे हैं। सर 6 आएगा, यस सर 6 आएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद एक आप यहाँ पे मिस्टेक छोटी सी कर रहे हो, मैं अगर आपको बताऊं आगे, वो ये है हमजा, वो ये है कि पहले ये वाला ब्रैकेट होगा फिर ये वाला ब्रैकेट होगा। क्यों? क्योंकि जो समालर, सुन लेना मेरी बात बेटा, जो समालर ब्रैकेट्स हैं, ये वाले ब्रैकेट्स हैं, ये वाले ब्रैकेट्स हैं, इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस ब्रैकेट। सो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला होगा और फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये वाला होगा, ठीक है। ओवरऑल 12 डिवाइडेड बाई 2 होगा, फिर माइनस होगा। बात फॉलो कर रहे हैं आप लोग? जो स्मॉलर ब्रैकेट है इसकी प्रायोरिटी ग्रेटर है एज कंपेयर टू दिस ब्रैकेट, ठीक है। ये इन ब्रैकेट्स की, ये जो होते हैं छोटे स्मॉलर ब्रैकेट्स, इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ब्रैकेट। तो सबसे पहले ये वाला होगा सॉल्व, ये वाला स्मॉलर ब्रैकेट लेफ्ट टू राइट देखेंगे ना, फिर ये वाला होगा, फिर ये कंप्लीट होगा, देन ये माइनस होगा। आर वी क्लियर ऑन दैट बेटा? यस सर। तो प्रायोरिटी बेस ये इसकी सॉल्यूशन हो रही है। देखें 6 इंटू 2 हुआ, पहले 12 हो गया, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हुआ, फिर ये होगा, फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो -4 इज द फाइनल आंसर भी है। सो इन प्रीफिक्स नोटेशन, ये अभी जो हम देख रहे हैं ये सारी प्रीफिक्स ही हैं। proposed by Polish mathematician in 1924, prefix और Polish notation, इसके हम Polish notation भी कहते हैं। अगर पेपर के अंदर मैं इसका नाम कर दूं Polish notation करें तो वहां पे आपने ये नहीं करना सर ये आउट ऑफ कोर्स आ गया है, ठीक हो गया बेटा। तो इसे हम Polish notation भी कहते हैं, Polish notation क्योंकि उसने अपने नाम पे ही इसको रखा था जो कि मैथमेटिशियन था in 1924। हाँ जी सर, अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं तो सर वो पहले सॉल्व होती हैं या स्क्वायर ब्रैकेट्स? कौन सी ब्रैकेट कह रहे हैं, अगर मुझे आप बता सकें। एक तो ये वाली ब्रैकेट हो गई ना, तो उसके बाद ये वाली हो गई, तो इनकी प्रायोरिटी इनसे ज्यादा है, ये बताया मैंने सर। अरे वाली ब्रैकेट्स है क्या रहा है भाई, अरे इंडेक्स जिसमें देखते हैं। मैंने तो उसको फिर देखना पड़ेगा, मैंने उसको देखा नहीं है। हम यही दोनों ही थी ज्यादातर जो कि यूज सर सर उसकी वो सबसे कम प्रायोरिटी होती है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ये वाली ब्रैकेट, ये वाली ठीक है। इसको चलिए ये कौन बता रहे हैं इनकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है? अरे हम इसको कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि मैंने इसको कंफर्म नहीं किया क्योंकि कंफर्म है। चलें ये आप देख लें, पिक्चर बनाना चाहें। इसका मतलब है प्रायोरिटी सबसे ज्यादा इसकी है, नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे फिर ये है, ठीक है, देन नंबर 3 पे ये है, ठीक है, ओके, ये प्रायोरिटी है, ठीक हो गया। तो मैंने इस नोट्स के अंदर सिर्फ ये दोनों शायद यूज किए हुए हैं, ये वाली यूज नहीं की, दैट इज व्हाई मैंने इसको इतना नहीं देखा ना, शायद आगे मैंने यूज किया इससे किसी एग्जांपल में। अच्छा ठीक हो गया। yes, बेटा आवाज रोबोटिक हो गई, जो भी स्टूडेंट है वो मैसेज कर सकता है, ठीक है, ओके फाइन, वी आर गुड टू गो, ठीक हो गया। तो प्रीफिक्स पॉलिश नोटेशन, इनफिक्स जिसे हम कहते हैं नोटेशन है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर होती है ये, जैसे 2 + 3a + b × c, ठीक हो गया। एंड प्रीफिक्स नोटेशन इज +2 3 × +a × + b c, ये इनफिक्स है, ये प्रीफिक्स या पॉलिश नोटेशन। वी डोंट नीड, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने प्रेसिडेंस, कंप्यूटर रीडेबल, ये कंप्यूटर रीडेबल होती हैं, मींस प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स, ठीक हो गया, ओके। तो कंप्यूटर पहले क्या करेगा, कोई प्रीफिक्स नोटेशन हम जब भी इवेलुएट करते हैं अपने एल्गोरिदम्स के अंदर, अपनी कोडिंग के अंदर, तो कंप्यूटर सबसे पहले उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करता है, देन उसको रीड करता है। तो हमने अपने डाटा स्ट्रक्चर में यही चीज़ इसके अंदर हम सारी डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। आपको आइडिया हो गया होगा कि इसका डाटा स्ट्रक्चर के साथ कैसे रिलेशन बन रहा है इन चीज़ों का, इन नोटेशंस का। देन वो ये पोस्टफिक्स या रिवर्स पॉलिश नोटेशन जिसे कहते हैं। हमारे पास जो थी प्रीफिक्स वो पॉलिश नोटेशन थी, और जो पोस्टफिक्स है उसे हम क्या कह रहे हैं, रिवर्स, क्योंकि वो उसका रिवर्स है, बिल्कुल उसके अपोजिट है। और हम एक अभी एक सिनेरियो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर मैं उसे रिवर्स करके आपको आंसर मींस एग्जैक्टली ठीक आंसर दिखा रहा हूँगा, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग उसको इवेलुएट अपने पास भी करेंगे। सो अगर आपके पास कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं इवेलुएशन तो दैट इज़ फाइन, अदरवाइज आप पेज भी ले सकते हैं, उस पर भी इवेलुएशन कर सकते हैं साथ साथ। सो पोस्टफिक्स क्या है, रिवर्स ऑफ पॉलिश नोटेशन। सबसे पहले ऑपरेंड आ जाएंगे, देन हमारे पास ऑपरेटर्स आएंगे सारे। ऑपरेंड क्या आते हैं, ए बी 1 2 ये ऑपरेंड थे, और ऑपरेटर कहते हैं प्लस माइनस ब्रैकेट, ये सारे ऑपरेटर्स थे। इनफिक्स नोटेशन के अंदर और प्रीफिक्स में और पोस्टफिक्स के कुछ डिफरेंस दिखाए हुए हैं, आपको बहुत क्लियर हो गया होगा यहाँ से देख के। तो हमारे पास सिनेरियोज कैसे आएंगे, हमारे पास इनफिक्स नोटेशन के सिनेरियोज आएंगे, उन्हें हमने प्रीफिक्स में पोस्टफिक्स में करना होगा कन्वर्ट, एंड देन उनको इवेलुएट करके फाइनल आंसर देना होगा जैसे कंप्यूटर उसको रीड कर रहा होता है। तो स्ट्रक्चर समझना होगा बेसिकली। सो ऑपरेटर हमेशा जंप करके ऑपरेंड से आगे जाएगा, दैट मीन्स कि ऑपरेटर क्या करेगा, पोस्टफिक्स के अंदर हमेशा आगे की तरफ मूव करेगा, जैसे प्रीफिक्स में पीछे की तरफ मूव करता है लेफ्ट साइड पे, पोस्टफिक्स में वो राइट साइड पे मूव करेगा, जैसे आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लीकेशन प्लस आगे मूव करके ABC पीछे चला गया। देन वी हैव अ क्लास एक्टिविटी, या आपके पास हैं कुछ प्रीफिक्स नोटेशंस, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, देन हाईएस्ट प्रायोरिटी की बेस के ऊपर इवेलुएट कर रहे हैं, या बाद में हम मैं देख लेता हूँ इसकी कन्वर्जन है या हमने इसको, चले ये मैं करवा देता हूँ आपको एक, ठीक है। सो ये हमने एक इनफिक्स मींस की कोई इवेल्यूशन करनी है, हमने कंप्यूटर को ये पास कर दी इन्फॉर्मेशन, तो वो इसको कैसे कन्वर्ट कर रहा होता है, मेरे ख्याल से ये हाँ यही चीज़ बताई गई है। सो सबसे पहले आपको पता है हाईएस्ट प्रायोरिटी देखनी है आपने, हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, ये वाले ब्रैकेट्स हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, देन डिवीजन है यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर पे फिर डिवीजन होगी, बल्कि ये तो हो जाएगी ना डिवीजन तो पहले, तो ये हो जाएगी। अच्छा इसमें हमने देखना है हाईएस्ट प्रायोरिटी है लेफ्ट टू राइट। अच्छा एक तो वो था ब्रैकेट्स था, तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ये वाला डिवीजन वाला होगा सेकंड पे, देन प्लस होगा मेरे ख्याल से, ऐसा ही है ना प्लस की, हाँ ज़्यादा थी प्रायोरिटी, सो फिर प्लस सॉल्व होगा देन माइनस होगा। तो हमने क्या किया सबसे पहले जो, अब हम कन्वर्जन क्या कर रहे हैं बेटा, हम बेसिकली इस इनफिक्स को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रीफिक्स के अंदर, ठीक हो गया पॉलिश नोटेशन में। सो सबसे पहले हमने क्या किया मल्टीप्लिकेशन को हम लेफ्ट साइड पे ले गए, देन हमने क्या किया डिवीजन ऑपरेटर को हम लेफ्ट साइड पे ले गए, ठीक हो गया यहाँ तक हो गया। देन हमने क्या यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया T1 इज इक्वल टू स्टेरिक AB, T2 इज इक्वल टू मैंने इक्वल टू रख दिया इसे डिवीजन ऑपरेटर CD, ठीक है, एंड T1 T2 इज इक्वल टू T3 देन आगे ये भी आ गया T1 माइनस टू T2 प्लस E। तो मतलब इतना ज़्यादा बार बार लिखने की बजाय मैंने इसको इक्वलेंट कर दिया ताकि मैं एफिशिएंटली इसको सॉल्व कर सकूं। देन माइनस हमारे पास जो है ऑपरेटर वो जाएगा लेफ्ट साइड पे T1 T2 एंड देन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे प्लस ऑपरेटर, देन हमारे पास प्लस ऑपरेटर चला जाएगा पहले। क्यों ले के आए लास्ट माइनस शुरू में, क्यों ले, मैंने अभी आपको बताया शायद आपने बेटा सुना नहीं, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनफिक्स नोटेशन टू प्रीफिक्स। ये देखें टू प्रीफिक्स नोटेशन, ये इनफिक्स थी इसको हम प्रीफिक्स में लेके जा रहे हैं। और प्रीफिक्स क्या होती है, इनफिक्स होती है जो सेंट्रल के अंदर ऑपरेटर्स आ रहे होते हैं 2 + 3, प्रीफिक्स में प्लस सब पीछे आ जाएगा जो कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट्स होती हैं, पोस्टफिक्स के अंदर प्लस आगे चला जाएगा। जब हम ये पास कराएंगे कंप्यूटर को तो उसका आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर क्या करेगा, वो उसको पहले कन्वर्ट करेगा इस फॉर्म में, देन उसको इवेल्युएट करेगा कंप्यूटर, इसको ऐसे इवेल्युएट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है बेटा समझ आ गई है? यस सर आ गई। ओके फाइन। ओके देन हमने क्या किया माइनस प्लस को ले गए, सो वी हैव T1 T2 जिसे हमने कर दिया इज इक्वल टू T3, फिर T3 किसके इक्विवेलेंट था T1 इंटू T2 के इक्विवेलेंट था, क्योंकि यहाँ पे T1 T2 मींस के इकट्ठे हो गए हैं तो यहाँ पे वही फिर हम रिपीट कर देंगे जो हमने इनको इक्विवेलेंट रखा था अपनी आसानी के लिए। स्टेरिक AB डिवीजन बाय CD E, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आएगा फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरह हम इवोल्यूशन कर रहे होते हैं इनकी फ्रॉम प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड सॉरी इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स, ठीक हो गया बेटा। अच्छा इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पे, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स यूजिंग स्टैक। ओके वी हैव इनफिक्स नोटेशन दैट इज A प्लस B स्टेरिक C दैट इज इक्वल टू। अच्छा जब भी हम इसको इवेलुएट करते हैं अपने स्टैक के ऊपर, स्टैक का तो आपको आइडिया हम पीछे पढ़ चुके हैं, फर्स्ट हमारे पास होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लिफो प्रिंसिपल के ऊपर ये काम वर्क कर रहा होता है। हमने आपने एक बात याद रखनी, आपने सबसे पहले कंप्लीट फॉर एग्जांपल आपको पेपर के अंदर ये इक्वेशन आई है, ठीक है, आपने इसको कन्वर्ट करना है यूजिंग स्टैक। तो आप क्या करेंगे सबसे पहला स्टेप है ब्रैकेट्स दे देंगे आप स्टार्ट में और एंड में। इस ब्रैकेट्स देने का मकसद क्या होता है वो भी आपको आगे पता चलेगा। आर वी क्लियर ऑन दैट? अगर ब्रैकेट्स नहीं देंगे तो एंड में आपको इश्यू मीन्स हो सकता है इसकी वैल्यूएशन के अंदर स्टैक को यूज करते हुए। देन वही है ऑपरेंड्स प्रिंट होते जाएंगे, ऑपरेटर्स को हम होल्ड करके रखेंगे एज पर द प्रायोरिटी। पॉप करना है, पॉप का तो आपको आइडिया है ना, पुश एंड पॉप, हम इनको होल्ड करके रखेंगे और जो हमारे पास होंगे ऑपरेंड्स उनको हम प्रिंट कराते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम इस तरह का एक बना लेते हैं स्ट्रक्चर सीरियल नंबर वाइज, करंट सिंबल कौन सा है, देन ऑपरेटर स्टैक के ऊपर हमने क्या रखना है, देन पोस्टफिक्स स्ट्रिंग क्या होगी हमारी। ओके सबसे पहले हमने क्या किया करंट सिंबल हमने एंटर कर दिया, ये ब्रैकेट ओपन कर दी, ठीक है, देन पोस्टफिक्स स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं आ रहा, देन ए को हमने करंट सिंबल हमारा आगे ब्रैकेट के बाद कौन सा सिंबल आएगा फिर ए आएगा, लेफ्ट टू राइट हम रीड कर रहे हैं इसे। देन ए को हमने क्या करना है क्योंकि ये हमारा ऑपरेंड है तो इसे हमने प्रिंट करा देना है। देन वी हैव प्लस, ए के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे प्लस आ रहा है तो फिर प्लस आएगा, इसको हमने स्टैक पे होल्ड करके रखना है, यहाँ पे ए ही रहेगा। देन बी आ रहा है तो इसको प्रिंट करा देना है, तो यहाँ पे क्या होगा कर्ली ब्रैकेट ओपन प्लस और प्रिंट क्या हो जाएगा ए बी। देन स्टेरिक आ रहा है यहाँ पे ये देखें, देन हमने क्या करना है स्टेरिक को होल्ड करके रखना है यहाँ पे प्लस के बाद। सो इसी तरह करते हुए एंड रिजल्ट आपके पास क्या आएगा जब हम इसकी जब ब्रैकेट ये क्लोज होगी, फाइनल ब्रैकेट क्लोज होगी, फॉर एग्जांपल इसके अंदर यहाँ पे बी और सी में भी कोई ब्रैकेट होती, लेकिन जब आखिरी ब्रैकेट क्लोज होगी इसके बाद कोई हमारे पास यहाँ पे ये ना ब्रैकेट होगी, ना ऑपरेंड होंगे, ना ऑपरेटर्स होंगे, ना ही पैरेंथेसिस होंगे। सो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो है ये प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा और हमारे पास प्रिंट होके क्या आएगा, ए बी सी, ठीक है, स्टेरिक प्लस। और अगर आप इसको खुद भी सोल्व करें विदाउट यूजिंग दैट स्टैक एल्गोरिदम जो कि मैंने यहाँ पे इवेल्युएट करके दिखाया आपको, तो आपके पास वैसे पेज पे भी आप इसको इवेल्युएट करें तो कैसे होगा, सबसे पहले स्टार जो है ये जाएगा, ऐसा ही है ना पोस्टफिक्स के अंदर, क्यों बेटा क्या सही कह रहा हूँ मैं, सबसे पहले क्या होगा, स्टेरिक ही आगे जाएगा एज पर द प्रायोरिटी, तो बी सी स्टार हो जाएगा, देन हमारे पास प्लस चला जाएगा आगे, तो क्या होगा ए बी सी स्टेरिक प्लस, यही आंसर आएगा अगर हम वैसे इसको सॉल्व करें देख के। अगर आप इस एल्गोरिदम को देखें, इस एल्गोरिदम को देखें, इस प्रोसेस को देखें, तो इसके एंड में भी क्या आ रहा है, ए बी सी स्टेरिक प्लस, लेकिन आ कैसे रहा है, हमने कुछ ऑपरेटर्स को होल्ड करके रखना है और ऑपरेंट्स को प्रिंट कराते जाना है पोस्टफिक्स स्ट्रिंग में, और करंट सिंबल है उसे रीड करते जाना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बस इसमें एक एडिशन ये है कि आपने ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज जरूर लगा देने अगर नहीं है, समटाइम्स मैं क्वेश्चन के अंदर पहले से ही लगा के दे दूंगा तो आपने फिर और नहीं लगा देने। अगर जिस तरह इसमें कोई ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड में नहीं थे तो मैंने यहाँ पे फिर पहला स्टेप ये किया है। आर वी क्लियर ऑन दैट, कि हम इसको जैसे अभी हम सॉल्व कर रहे थे उसे हमने स्टैक एल्गो के थ्रू किस तरह सॉल्व किया है, किस तरह इवेल्युएट किया है क्वेश्चन को, हैं आप लोग मेरे साथ बेटा? सर ये करने से पहले हमेशा ब्रैकेट्स पुट करेंगे पहले फिर सॉल्व करेंगे। हाँ, और उसकी रीजन मैंने आपको बताई है। फॉर एग्जांपल पेपर में मैं आपको इक्वेशन ये वाली दे देता हूँ इस टाइप की, तो मैंने तो ब्रैकेट लगा के और क्लोज करके दे दी ना, तो फिर आप दोबारा नहीं लगाएंगे, ठीक हो गया। इसका मकसद क्या है कि हम अपने प्रोग्राम को बता सकें कि प्रोग्राम जब स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है और जब प्रोग्राम हमारा एंड हो रहा है वो आखिरी ब्रैकेट पे हो रहा है, मीन्स इसके बाद कोई डाटा नहीं होगा, दैट मीन्स प्रोग्राम एंड हो जाएगा, इसका सिर्फ ये मकसद है, ठीक है। हाँ सर, ये ऑपरेटर स्टैक जो है ये ब्रैकेट को ही होल्ड करके रखेगा बस, मतलब ब्रैकेट और साइंस को। हाँ हाँ, इनको होल्ड करके रखना है और एंड में हमने फिर पॉप करा देना है, मींस के इनको होल्ड करके रखना है एंड में फिर इनको करा देना है इन ऑपरेटर्स के बाद पोस्टफिक्स स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि इन्हीं को ही हमने करके रखना है। तो कंप्यूटर जो है ना आपका स्ट्रक्चर वो इस तरह काम कर रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है, पोस्टफिक्स स्ट्रिंग को के अंदर करेक्टर्स को होल्ड करके रखता है, इस तरह वो इवेल्युएट करता जाता है और एंड में इनको डिस्प्ले कर देता है। अच्छा, इसके अलावा अगर ए बी सी की जगह यहाँ पे कुछ इस तरह होता 1 2 3 तो फिर रिजल्ट भी तो आएगा ना कोई। अभी तो हम जस्ट कौन देख रहे हैं इनको ए बी सी इस फॉर्मेट में देख रहे हैं, लेकिन अभी हम वैल्यूज को भी इवेल्युएट करेंगे फिर इसी स्टैक एल्गोरिदम के ऊपर। अच्छा, आपने सबसे पहले एक टर्म देखी होगी जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, उसको मैं अब करूंगा यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। क्या मतलब है इस चीज का, ये सारी कन्वर्जन इवेल्युएशन के हैं, एप्लीकेशन है, दैट मीन्स हम स्टैक को यूज कर रहे हैं इस काम के लिए अपने कंप्यूटर्स के अंदर। सो अगर आपसे कोई पूछे कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैक क्या है, तो हमने पढ़ा क्यों है, बेसिकली इसीलिए इसको सारे इतना रीड किया स्टैक को डिटेल में, ताकि हम इसकी एप्लीकेशन को समझ सकें कि कंप्यूटर के अंदर कैसे ये इवेल्यूशन हो रही होती हैं। आर वी क्लियर ऑन दैट, सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेटा? फिर आगे हम चलते हैं। अच्छा, अभी हमने ये भी कर लिया, पेज ये वाला भी देख लिया, यहाँ पे आते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे थोड़े बहुत मुझसे मिस्टेक हुई थी स्टार्ट में, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रैकेट देना भूल गया था, ऊपर कर दे दिया था, नीचे यहाँ पे। तो आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपसे भी स्टार्ट में मिस्टेक होंगी, बट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी डिफरेंट डाटा सेट्स के ऊपर, डिफरेंट इक्वेशन के ऊपर। इक्वेशन खुद बनाते जाएँ, प्रैक्टिस करते जाएँ, ठीक हो गया। बाकी ये जो जितने भी आपको मैंने ये शेयर किए हैं 10 पेजेस, इसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर्स आपको दिए हैं मैं करके इवेल्युएट। अच्छा जी, हमारे पास है सी। अब देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन में पहले से ही ब्रैकेट दी हुई है, तो आप एक काम करें बेटा, आप सब ये करें कि आप वर्ड को ओपन करें, वर्ड का पता है ना आप सबको बेटा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करें, वहाँ पे ये इक्वेशन लिखें और इवेल्युएट करें और मुझसे शेयर करें इसके रिजल्ट। इक्वेशन क्या है मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ, ब्रैकेट ओपन क्लोज सी बी ए, ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन क्लोज सी बी और क्या था आगे, सी स्टेरिक बी एंड वी हैव प्लस ए, ठीक है, ये क्वेश्चन है जी। तो आपने इसको कैसे करना है इवेल्युएट, अभी एक छोटी सी एक्टिविटी है 5 मिनट्स की, इसको आपने करना है कन्वर्ट। हमने इसमें किसमें किया हुआ, अगर मैं देख लूँ, इसको हमने किया हुआ है प्रीफिक्स में, सॉरी पोस्ट फिक्स में पहले किया हुआ मेरे ख्याल से, ठीक है हाँ पोस्ट फिक्स में कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है, सीरियल नंबर, करंट सिंबल, ऑपरेटर स्टैक एंड पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग, ये उसके हेडिंग दे देनी है। तो कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स बनाने हैं। 4 कॉलम्स बनाते हैं तो वी हैव टू इंसर्ट द टेबल, 4 कॉलम्स बनाने हैं और हम कुछ इसकी रोज बना देते हैं अभी, ठीक है 1 2 3, एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, ठीक है ये आ गया। तो यहाँ पे आ गया आपका सीरियल नंबर, ठीक है देन हमारे पास सेकंड नंबर पे जो आ रहा है करंट सिंबल, ऑपरेटर स्टैक, करंट सिंबल, देन वी हैव ऑपरेटर स्टैक, देन वी हैव पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग, ठीक है पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग। सबसे पहले क्या है, सीरियल नंबर 1 2 3, आप वैसे कुछ नोट कर लें पहले से ही, जितने होंगे फिर वो हम देख लेते हैं, बाकियों को माइनस कर देंगे, ठीक है। करंट सिंबल क्या है हमारे पास, वो ये आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ऑपरेटर स्टैक होल्ड करके रखेगा, डिस्प्ले नहीं कराएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्या आ रहा है, सी। सो सी क्योंकि हमारे पास क्या है, ऑपरेंड है, तो ये क्या होगा, पोस्टफिक्स स्ट्रिंग में चला जाएगा। देन क्या आ रहा है, स्टार। स्टार भी हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है, तो क्या होगा, ये होल्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो हमारे पास डिस्प्ले क्या हो रहा है, सी हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव बी, ठीक है देन इसको तो कॉपी ही कर लें हम यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से मतलब आप इवेलुएशन करें। मैं अभी एक और आपको एग्जांपल दूंगा, मैं अभी करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप आइडिया होता है। जब बी आ गया तो इससे पहले सी था, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, सी बी, ये तो ऐसे ही फिर रहेंगे हमारे पास, ओके। स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको देखें, देन वी हैव प्लस, तो प्लस क्या होगा, यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो सी बी प्लस, देन वी हैव ए, तो ए क्या होगा, इधर डिस्प्ले हो जाएगा। देन वी हैव ब्रैकेट्स क्लोज, तो दैट मीन्स जब ब्रैकेट क्लोज हो रही है तो ए की ब्रैकेट आ रही है यहाँ पे, अगर आप देखें इसके अंदर कोई और ब्रैकेट इस तरह की नहीं है, तो दैट मीन्स ये वाली ब्रैकेट क्लोज हो रही है। सो अब हमारे प्रोग्राम को पता चल जाएगा कि प्रोग्राम एंड हो गया, और डिस्प्ले क्या हो जाएगा हमारे पास पोस्ट फिक्स के अंदर, सी बी ए स्टार एंड प्लस, ठीक है। तो इस तरह ये डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें, ओके सी बी देन ओके फाइन, पहले हम यहाँ पे इसको करा रहे हैं। ऑपरेटर स्टैक में लास्ट वाली ब्रैकेट नहीं होल्ड होगी, होल्ड नहीं होगी ना, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा इसके अंदर एक छोटी सी और चीज़ है कि हम प्रायोरिटी बेस के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो स्टार है वो पहले आ रहा है, ठीक है, मीन्स हमने स्टार पहले डिस्प्ले करा दिया, तो जैसे ही उससे कम प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर आएगा तो हम उसी वक्त उसे डिस्प्ले करा देंगे। तो हमने यहाँ स्टार को पहले क्यों डिस्प्ले कराया, स्टार को डिस्प्ले यहाँ पे इसके बाद कराएंगे, इधर यहाँ पे क्यों कराया है, क्योंकि ये इसकी स्टार जो था हमारा, स्टार मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा थी, ठीक है। तो हम पहले भी करा सकते हैं और बाद में भी कराएंगे, तो वी हैव गिव मी अ सेकंड, इधर आएगा, सॉरी ठीक है इधर आएगा, सी स्टार बी देन वी हैव प्लस, सही हो गया। सो एक सेकंड, सी बी स्टार, अच्छा द पॉइंट इज कि हमारा यहाँ पे रीज़न, इसको दोनों को क्यों नहीं होल्ड किया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिस्टेक की थी, वो इसलिए हमने इन दोनों को इस तरह होल्ड नहीं किया क्योंकि स्टार की ज़्यादा प्रायोरिटी है, और अगर हमारे पास पहले ज़्यादा प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर आ जाता है तो हम उसे पहले डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करा देंगे। सो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे प्लस आया तो हमने क्या किया, स्टार को यहाँ से माइनस कर दिया, सो दैट इज़ द एक्यूरेट सोल्यूशन। अगर हम इसी को प्रीफिक्स में देखें तो फिर क्या होगा, ये तो पोस्ट फिक्स आना, तो हम आगे आगे डिस्प्ले कराते गए हैं। अगर हम इसको प्री फिक्स में देखें तो क्या होगा, ये मीन्स कि इससे पहले इधर डिस्प्ले हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसका मीन्स कि हम बिल्कुल ही रिवर्स हम फिर देख रहे होंगे। अभी एक एग्जाम्पल भी है, वो भी हम देख लेते हैं। सो दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, हमने यहाँ से स्टार को पॉप आउट क्यों किया? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा थी, दैट इज़ वाई हमने इसको पॉप आउट कर दिया और प्लस को यहाँ पे होल्ड करा लिया। अब अगर यहाँ पे और माइनस आ जाता तो हम फिर प्लस को भी आगे कर देते, दैट मीन सी बी स्टार ए माइनस और कोई और फिर आगे ऑपरेंड वगैरह होता हमारे पास, फिर उसको लेके आते हैं। सो हम वो पॉप आउट करवाते जाएंगे साथ साथ, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और पहले से हम उसे होल्ड करके रख रहे हैं। ठीक हो गया, ओके फाइन। सो लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी। ठीक है, तो इस तरह हम इसको करते जाएंगे। सही है, प्रीफिक्स वाला समझा देंगे, प्रीफिक्स बता रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। तो मेक इट रिवर्स, आपके पास अभी आंसर क्या है? सी बी स्टेरिक ए प्लस, तो इसका रिवर्स क्या होगा? प्लस ए स्टार बी सी। सिंपल, ये है आपके पास। अगर तो इसका हम रिवर्स क्या देख सकते हैं? या यहाँ से इधर रीड कर रहे हैं ना अभी, इसको ऐसे रीड कर लो, दिस इज रिवर्स, इसका रिवर्स ये होगा। और अगर हम यहाँ से ऐसे रीड करेंगे तो सिंपल एक यहाँ फार्मूला रखें, तो सबसे पहले क्या होगा डिस्प्ले आपके पास? सबसे पहले बेटा होगा आपके पास प्लस, ठीक है, फिर ए, फिर स्टार, देन वी हैव बी, देन वी हैव सी। आई होप सो बिल्कुल ही इसी तरह से ही होना चाहिए। सो इसका रिवर्स किया प्लस ए, देन स्टार, देन बी सी, तो इसका रिवर्स ही है। तो अगर आप अभी खुद इसको इवेल्युएट करें, हम मिलके कर लेते हैं। ये तो मैंने एक रिवर्स किया तो ये आंसर ले आया, मैं पोस्टफिक्स से प्रीफिक्स में ले आया इसे। अगर आप खुद इसको अटैम्प्ट करें तो आप इसको, अभी हमने पोस्टफिक्स में किया था, अभी हम प्रीफिक्स में अगर इसको अटैम्प्ट करके देखें, या आप इवन इसको इवेल्युएट ही करके देखें प्रीफिक्स में, ये आपके पास इक्वेशन है। सबसे पहले क्या पॉप आउट करेंगे? आप स्टार लेके आएंगे, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। फिर प्लस लेके आएंगे, तो प्लस स्टार सी बी है। ठीक हो गया। सो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लेके आएंगे? स्टार लेके आएंगे, ठीक है, एंड इसका रिवर्स कर लें तो ये भी आपके पास एक्यूरेट ठीक आंसर आ रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं ना, आप इसको जरा पोस्टफिक्स की बजाय यहाँ पे प्रीफिक्स में भी करके देखें। इस तरह कर रहे हैं आप लोग, साथ साथ प्रीफिक्स स्ट्रिंग में लेके जाएं इसको आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है या फिर थोड़ा सा हम आगे एक देख लेते हैं प्रीफिक्स की भी इस तरह की पूरी एक इवेल्युएशन, फिर आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान मेरे ख्याल से हो जाएगा करना। या कुछ आप बताएं ताकि मैं आगे चलूं या वेट करूं? अब बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? सर इसमें मल्टीप्लाई पहले आएगा ना? किस में बेटा? मतलब सर स्टार पहले आएगा प्रीफिक्स में। नहीं, इस तरह नहीं होता। आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर इसको इवेल्युएट करके देखें जरा। इसी स्ट्रक्चर के ऊपर करना है, पोस्ट के ऊपर। ये पोस्ट किया है हमने, आपके पास इक्वेशन यही है, इसी को आपने प्री में लेके जाना है, प्रीफिक्स में। सही हो गया।